आज हम बात करेंगे कि घर्षण किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज फ्रिक्शन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे उसकी मोशन के अपोज कोई फोर्स लगाते हैं, तो जिस फोर्स का यूज़ आप उस ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं जिससे कि उसकी पोजीशन में चेंज आता है, उसे ही हम घर्षण बल कहते हैं। अब जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं तो उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज होने के साथ आप ये देख रहे हैं कि जो पुश की डायरेक्शन है और फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो हर हमेशा अपोजिट होता है। इसका मतलब है कि घर्षण बल सदैव लगाए गए बल का विरोध करता है। हम कैरम के सरफेस पे इसीलिए पाउडर छिड़कते हैं क्योंकि हम उसके सरफेस की फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं। ड्राई सरफेस पे फ्रिक्शन काफ़ी स्मूथ होता है, इसीलिए कैरम खेलते समय हम उसकी सरफेस पे पाउडर छिड़कते हैं जिससे कि उसके फ्रिक्शन को कम किया जा सके। जिसका हम इस्तेमाल करते हैं इस फ्रिक्शन में को कम करने के लिए, जिस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं उसमें एक लुब्रिकेंट होता है। अब यहाँ पे बात आती है कि लुब्रिकेंट क्या होता है। ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू हम किसी सब्सटेंस की या किसी सरफेस की स्मूथनेस को कम कर सकते हैं, उसे ही हम लुब्रिकेंट कहते हैं, जिसे हम हिंदी में स्नेहक के नाम से जानते हैं।